नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लेकर, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। जॉन मिल्टन एक वो कवि हैं जो 44 साल की उम्र में अंधे हुए थे, और इसके बावजूद भी उन्होंने पोएम को लिखना जारी रखा था। इवन हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद ये और भी अधिक फेमस हो गए थे। कितनी बड़ी बात है कि ये उस समय की बात है कि जो 44 साल के थे जब अंधे हुए थे, उस समय ब्रेल लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था। बहुत ही कठिनाइयों के साथ उन्होंने इनकी पोएम को लिखने के लिए, इनकी लड़की हेल्प करती थी, इनकी डॉटर ने हेल्प किया था इस पोएम को लिखने में। और ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम लिखी है इन्होंने, जिसका हिंदी मीनिंग है अपने अंधेपन पर, ये जब अंधे हुए थे उसके बाद की जो पोएम है वो इनकी पोएम यही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का ये पर्सनल सोनेट है। इट इज़ अ फाइनेस्ट एंड द मोस्ट सबलाइम पीस ऑफ पोएटिक आर्ट। इट शोज मिल्टन्स अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड एंड हिज कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ द डिवाइन विल। इट रिवील्स मिल्टन्स डीप डिसअपॉइंटमेंट ड्यू टू द ब्लाइंडनेस एंड द ग्रेट एगोनी अंडरलाइंग इट। चलिए शुरुआत करते हैं पोएम को। इसकी शुरुआती पंक्तियाँ कुछ देखते हैं, पोएम को देखते हैं। When I consider how my light is spent, जब भी मैं विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। अपने अंधेपन पर कवि कह रहे हैं कि जब भी मैं ये विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। Yet half my days, मेरी आधी उम्र से पहले ही, in this dark world and wide, और ये दुनिया मेरे लिए अंधकार में हो गई, और ये दुनिया मेरे लिए विस्तृत हो गई। अब दुनिया उन्हें बहुत बड़ी नज़र आने लगी, बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड। अंधे हो जाने के बाद दुनिया उन्हें बहुत बड़ी नज़र आने लगी, इवन बिकॉज ही कांट सी, क्योंकि अब वो देख नहीं सकते हैं। एंड द वन टैलेंट, कवि कहता है कि मेरे अंदर जो एक प्रतिभा थी। हियर द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट विच टैलेंट, द टैलेंट इज़ पोइटिक टैलेंट, काव्य प्रतिभा की बात कर रहा है वो। विच इज़ डेथ टू हाइड, कह रहे हैं ये तो मेरे लिए कैसी हो गई, मृत हो गई, मृत समान हो गई। Lost with me useless, और मेरे अंदर व्यर्थ ही पड़ी रहेगी। अगर मैं कोई पोइट नहीं लिखता हूँ, अगर मैं कोई पोएम नहीं लिखता हूँ, तो ये मेरे अंदर कैसी पड़ी रहेगी, व्यर्थ पड़ी रहेगी। फिर से देखते हैं लाइन्स को। When I consider how my light is spent ere half my days, जब भी मैं विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। ere half my days, मेरी आधी उम्र से पहले ही, in this dark world and wide, और ये संसार मेरे लिए अंधकार में हो गया और विस्तृत हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो एक काव्य प्रतिभा थी, विच इज़ डेथ टू हाइट, वो कैसी हो गई, मृत हो गई। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे अंदर व्यर्थ पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, आगे कवि कहता है कि यद्यपि माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा फिर भी बहुत उत्सुक है टू सर्व देयर विद माई मेकर, इससे अपने मालिक की सेवा करने के लिए। यहाँ मेकर मीन्स द पोइट इज टॉकिंग अबाउट गॉड, पोइट गॉड के बारे में बता रहा है कि इसके बावजूद भी मैं ईश्वर की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा कैसी है, बहुत ही उत्सुक है। वो कहना चाहता है कि अपनी काव्य प्रतिभा से कविताएं लिखकर मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। व्यक्ति जो कार्य करता है उसी कार्य से ही ईश्वर की सेवा करता है, और कवि का कार्य क्या है, पोइम लिखना, तो पोइम के माध्यम से वो सेवा करना चाहता है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, आगे वो कहता है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, कि मैं अपना सच्चा खाता प्रस्तुत करूंगा। वो कह रहा है कि व्हाट ही हैज़ डन इन इज़ द पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ में उसने क्या किया है, क्या क्या कार्य किए हैं, क्या इसके बारे में बताऊंगा, मैं अपना खाता प्रस्तुत करूंगा। लेकिन जैसे ही ये बात कहता है, वो सोचता है लीस्ट कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह मुझे वापस फटकार दे। वह कहता है कि कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह वापस मुझे फटकार दे। Doth God exact a labor lie denied, I fondly ask। पोइट कहता है कि मैंने ये मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन किया। वह मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन ये करता है कि डथ, हियर डथ मीन्स डज, गॉड एग्जैक्ट ए लेबर लाइट डिनाइड, कि मेरी आँखों की रोशनी छीन लेने के बावजूद भी, कि क्या वह उम्मीद करता है कि वह एग्जैक्ट ए लेबर, कि मैं दिन रात परिश्रम करूँ। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्तापूर्ण में क्वेश्चन करता हूँ। कभी कहता है कि मैंने ये मूर्तापूर्ण क्वेश्चन किया कि डथ गॉड एग्जैक्ट ए लेबर लाइट डिनाइड, कि आँखों की रोशनी चली जाने के बावजूद भी, कि मैं क्या करूँ, डे लेबर करूँ, परिश्रम करूँ।
फिर से देखिए लाइंस को, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपनी मालिक की सेवा करने के लिए, अपने गॉड की सेवा करने के लिए, किससे, पोइम से, एंड प्रेजेंट, और मैं प्रस्तुत करूँगा माई ट्रू अकाउंट, कहता है मैं अपना ट्रू अकाउंट प्रस्तुत करूँगा, फिर कहता है कि लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, के कहीं ऐसा ना हो, डथ गॉड एग्जैक्ट ए लेबर लाइट डिनाइट आई फॉन्डली आस्क, कहता है कि मैं मूर्तापूर्ण, मैंने ये क्वेश्चन किया कि आँखों की रोशनी चले जाने के बावजूद भी क्या ईश्वर मुझसे एक कठिन परिश्रम की उम्मीद रखता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोका, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और एक बड़बड़ाहट के साथ मुझे उत्तर मिला, कि धैर्य ने मुझे रोका, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और एक बड़बड़ाहट के साथ उत्तर मिला कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, कि ईश्वर को मनुष्य के किसी भी कार्य की ज़रूरत नहीं है, और इज ऑन गिफ्ट, ना ही किसी उपहार की, हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योक, आगे वो कहता है कि वे हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके दिए गए कोमल कष्टों को बहुत अच्छे तरीके से सहन कर लेते हैं, हियर द पोएट इज राइटिंग अबाउट माइल्ड योक, योक एक जुअर होता है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है जब बैल खेत जोतने का कार्य करते हैं, जब बैलों के कंधे पर रखा जाता है तो बैलों को कष्ट होता है, लेकिन वह अपने मालिक को प्रसन्न रखने के लिए चलता चला जाता है जिससे कि उसके मालिक प्रसन्न रहे, तो वही कह रहे हैं कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, यहाँ योग का मतलब कष्टों से है, कि जो अब कष्ट माइल्ड योग, कोमल कष्ट का मतलब है, क्योंकि वह कष्ट किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे हैं, उनका परिणाम कैसा होगा, अच्छा होगा, तो वही कह रहे हैं कि हिज हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, कि जो उसके दिए गए कोमल कष्टों को बहुत अच्छे तरीके से सहन कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं, देखिए लाइन्स को फिर से, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य ने मुझे रोका, दैट मर्मर्स टू रिप्लाइज, और एक बड़बड़ाहट के साथ मुझे उत्तर मिला, डथ गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, के मनुष्य को ईश्वर के किसी भी कार्य की ज़रूरत नहीं है, और इज ऑन गिफ्ट, ना ही उसके किसी उपहार की, हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योग, जो उसके द्वारा दिए गए, उसके द्वारा मीन्स जो गॉड के द्वारा दिए गए कोमल कष्टों को बहुत अच्छे तरीके से सहन कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं, आगे कहता है, हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्यशाही है, रॉयल है, थाउजेंड एट इज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग तत्पर रहते हैं उसकी आज्ञा पाने के लिए, पोस्ट ओवर द लैंड, तैनात हैं पृथ्वी पर, एंड भूमि पर तैनात हैं, ओशन विदाउट रेस्ट, और समुद्र में तैनात, बिना आराम किए हुए वो तैनात हैं उसकी सेवा में, दे आल्सो सर्व, वे भी उसके बहुत अच्छे सेवक होते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, लास्ट लाइन को एक बार फिर से देखेंगे कि हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्यशाही है, थाउजेंड एट इज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग उसकी आज्ञा पाने के लिए तैयार हैं, एंड पोस्ट ओवर द लैंड, और तैनात हैं पृथ्वी पर, एंड ओशन विदाउट रेस्ट, सागर में तैनात हैं, बिना आराम किए हुए वो तैयार हैं, खड़े हुए हैं, तत्पर हैं, दे आल्सो सर्व, और वे भी उनकी सेवा करने की लिस्ट में होते हैं, वे भी उसके सेवक होते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल क्या करते हैं, खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं।